मालाड पुलिस के हाथ में दिखने वाली है तमाम एटीएम कार्ड इन आरोपियों के पास से जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग कर यह बैंक को चूना लगाने का काम करते हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला यह नज़ारा मालाड इलाके का है, जहां पर मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी एटीएम सेंटर में घुसा और एटीएम सेंटर से इन्हीं कार्ड की मदद से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम सेंटर से पैसे निकालने वक्त इस शख्स ने बड़े ही सातिक तरीके से, जैसे ही पैसा निकालता है, देखिए पैसा उसके हाथ में आ गया है और अब जो है पीछे हाथ करके एटीएम सेंटर की एटीएम से छेड़छाड़ कर बैंक को लाखों का चूना लगाने वाले दो अपराधियों को मुंबई की मालाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह का यह मोडस अपनाते थे, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ रवि अडाने जी है। सर, किस तरह का मोडस अपनाते थे, इनकी गिरफ्तारी कहां से होती है और इनके पास से क्या कुछ जब्त किया गया? 18 तारीख को हमें कॉल मिला कि बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे एरिया में है, वहाँ के एटीएम में छेड़छाड़ हो रही है और कोई सस्पेक्टेड लोग है। तो हम लोग गए थे वहाँ पर, गए देखा कि कैसा है। हमें वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई उसके जो खुलिया था उस हिसाब से हमने उनके लॉजेस वगैरह सब चेक किए। तभी एक लॉज पे हमें दो सस्पिशियस मिले। मिलने के बाद उनकी जब उनको पूछा गया तो उनके पास हमें 68 एटीएम कार्ड्स मिले और उन्होंने गुनाह कबूला और उन्होंने कहा कि हम, और उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार के ये एटीएम फ्रॉड करते हैं। सर, ये मोडस अपनाते थे कैसे, किस तरह का वो छेड़छाड़ करते थे? वो एक कार्ड डालने के बाद पैसे निकालते थे। पैसे निकालने के बाद जो एटीएम में जो पीछे पावर सप्लाई था, वो पावर सप्लाई बंद करके या उसकी जो पिन है वो पिन निकाल के उसमें टेक्निकल एरर बनाते थे और उसके तहत वो जो टेक्निकल एरर करेंगे तो उन्हें वो एटीएम मशीन में वो पैसे निकाले हैं उसकी एंट्री नहीं होती है, टेक्निकल एरर बताता है। लेकिन साइमल्टेनियसली वो जो पैसे है वो पैसे खुद निकाल लेता है। ये पैसे निकालने के बाद जो कार्ड धारक है वो कस्टमर केयर को कंप्लेंट करता है कि हमने इतने इतने पैसे निकाले थे, वो एंट्री हो चुकी है लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, तो ये पैसे हमें रिफंड कीजिए। तो वो तहकीकात करने के बाद वो बैंक वाले उनको पैसा रिफंड करते हैं। तो ये जो रिफंड होता है वो उनको फायदा होता है क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी उन्होंने निकाले हुए होते हैं। सर, बैंक को अब तक इस तरह की कितनी जानकारी मिली? हमारे बैंक से पूछताछ चालू है कि बाबा कितने गए हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक कंप्लेंट दर्ज है, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या टेक्नीशियन के तौर पर वो महारत हासिल किए?
टेक्निक इतना कोई बड़ा नहीं है, तो उन्होंने एक दो बार समझ के लिया है कि ये जो हरियाणा के जो मेवात जिले के रहने वाले हैं, एक की पढ़ाई छठवीं हो गई है, एक की आठवीं हो गई है, और वो जो एक आरोपी है वो दो साल से इस तरह की ठगी कर रहा है। ये जो ATM से मिले हैं वो किन के ATM है, क्या एक ही इलाके के हैं या इन्हीं लोगों के पास से जब्त किया गया है? ये संपर्क एक ही बैंक अकाउंट के हैं या अलग अलग बैंकों के? ये दोनों के पास कुल 68 ATM कार्ड्स मिले हैं और सभी बैंक के हैं, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बैंक के कार्ड्स हैं। और ये बाकायदा इसके कार्ड के कहा जाता है कि उनके गाँव के जो लोग हैं उनके कार्ड हैं, तो उसकी तहकीकत हम कर रहे हैं कि एक्चुअल किसके हैं। बिल्कुल, हरियाणा के मेवात से इनकी गिरफ्तारी हुई है, दो लोगों की गिरफ्तारी है। कहा जा रहा है कि पिछले दो सालों से इस तरह के जो है छेड़छाड़ में शामिल थे। इनकी 68 से ज़्यादा जो है ATM कार्ड जब्त किए गए हैं जो अलग अलग बैंकों से। फिलहाल अब तक बैंकों को कितने का चूना लगाया है इस तरह की जानकारी मुंबई मलाड पुलिस लगाने में।